अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो पाकिस्तान एक अरसे बाद T20 मैच जीता है, कोई भी खैर मैच पाकिस्तान नहीं जीता था एक अरसे तक, और कल पाकिस्तान फर्स्ट T20 मैच जीता है आफ्टर आई थिंक 2.5 मंथ। तो इसके बाद जो शाहिन शाह आफरीदी के वर्ड्स थे इन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, ऑल्सो आई एग्री कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ इसको डिस्कस करने में, बट कल बहुत ज़्यादा फटीक थी, दैट्स वाई आई कुड नॉट मेक द वीडियो। बट है कि ये चीज़ ऐसी है, शाहिन के जो वर्ड्स हैं उसको डेफिनेटली हमें डिस्कस यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि मतलब है कि जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि भाई क्यों डिस्कशन ज़रूरी थी। सरदार साहब वालों के उन्होंने क्या कहा, ये सर के भाई वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, वर्ल्ड कप तक सबको इल्म होगा किसने कहाँ खेलना है। जब टीम तैयार करते हैं तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। नौजवानों को एतमाद देने के लिए मौका दिया, इन कंडीशंस में खेलना आसान नहीं होता। डेफिनेटली वी ऑल एग्री कि भाई इन कंडीशंस में खेलना आसान नहीं होता, और अभी आपको PSL भी खेलना है पाकिस्तान में, एंड आपको पाकिस्तान में ही न्यूजीलैंड से आई थिंक 5 T20 आई ही मजीद खेलने हैं, तो आप वहाँ पर यंगस्टर्स को चांस दे सकते थे रदर देन आप यहाँ पर मुश्किल कंडीशन में यंगस्टर्स को चांस देते। दूसरी बात, आपने कहा कि किसको कहाँ खेलना है, तो ये आपकी T20 टीम तो काफ़ी हद तक सॉर्टेड थी, काफ़ी हद तक। जैसे आपको मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी थी, तो आपने मिडिल ऑर्डर में तो एडजस्टमेंट की ही नहीं, आपने ओपनिंग जो आपकी बेस्ट जा रही थी आपने उसमें शफल किया, यहाँ तक कि इतना आपने सेंसलेस डिसीजन लिए, इतनी आपने सेंसलेस एक्सपेरिमेंट किए हैं कि भाई आपके जो है कि साहिबजादा फरहान को आपने मिडिल ऑर्डर में खिला दिया, और जो आपके हसीबुल्ला खान थे उसको आपने टॉप पे कर दिया। मे बी दिस वॉज द रीज़न के स्ट्राइक रेट की वजह से, क्योंकि साहिबजादा का भी स्ट्राइक रेट कुछ है कि 120 प्लस का ही है, अगर T20s में ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट देखो, मे बी दिस वॉज द रीज़न। तो अगर आपको स्ट्राइक रेट इतना ही ज़्यादा मैटर करता था तो फिर आप साहिबजादा को लेके ही क्यों गए, अगर लेके गए थे तो फिर आपको उसको टॉप पे ही चांस देना चाहिए था, यानी जो ओपनिंग है उसमें उसको चांस देना चाहिए था। जब आपने साहिब को ड्रॉप किया, आपने हसीबुल्ला मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है आपने उसको टॉप पे डाल दिया, और टॉप पे का बैट्समैन साहिबजादा उसको आपने मिडिल में डाल दिया, आपने इतने सेंसलेस एक्सपेरिमेंट्स किए, इतने देखो हर टीम करती है, इंडिया भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी किया, हर कोई करता है, हमने तो अभी नया नया शुरू किया है क्योंकि हम इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे रिजल्ट ऐसे होते हैं, और हमारी कॉम से या किसी से भी खैर बर्दाश्त नहीं होते हमारे मीडिया से, और नहीं भी होने चाहिए भाई। आप कोई तरीके का एक्सपेरिमेंट करो तो समझ भी आए, आपको मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम हो रही थी, लास्ट जो हमने T20 वर्ल्ड कप खेला था उसमें भी हमारा मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम था, इससे पहले जो एशिया कप खेला था उसमें भी मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम था, तो आपको वो चीज़ बेहतर करनी थी, या जो चीज़ आपकी सही जा रही थी पहले से आपने उसको छोड़ दिया, और मिडिल ऑर्डर का मसला अभी तक वैसे ही है, तो आप किस तरह से कर सकोगे भाई? अब 15 मैचेस जस्ट बचे हैं, या 15 भी नहीं, 12 मैचेस जस्ट वर्ल्ड कप से पहले आपको खेलने हैं, इन 12 मैचेस में आप कैसे बताओगे? आपका ओपनिंग जोड़ी तो चलो आपने तोड़ी दी है, आप अभी भी यही खबर है कि साइम एंड रिजवान ही ओपन करेंगे, अब मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाएगा कि भाई पेशावर जर्मी में, क्योंकि बाबर एंड साइम ओपन करते हैं तो किस तरह की वहाँ पर आउटकम निकलते हैं, तो ये भी खैर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा, वैसे इंपैक्ट नहीं डालना चाहिए PSL की परफॉर्मेंस पे, कभी भी आप इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन नहीं करने चाहिए, आपको आपने कर लिया है बल्ला करे खैर वो सही साबित हो जो आपकी कैप्टनसी का आपने लिया है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फ़र्क होता है, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इवन आप BBL भी देख लें जो बिग बैश लीग है, दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी वाइज लीग है वो, बट स्टिल उसको भी मैं इतना है कि नहीं कहूँगी कि भाई वो इंटरनेशनल के आसपास भी है, नहीं, इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल है। सो खैर लीग को इस तरह से नहीं देखना चाहिए, ना ही वो कोई पैमाना होना चाहिए लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंसेज, डोमेस्टिक की भी परफॉर्मेंस है कि किसी तरह से, मैं तो खैर हमारे जो डोमेस्टिक का जो पिचेस वगैरह हैं वो खैर अभी सुनने में आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो हो रही है उसमें सुनने में आया कि थोड़े से है कि फ्रेंडली ट्रैक्स बनाए गए हैं, या बोले है कि PC ट्रैक्स बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खुशहाल बात है, और है कि रिजल्ट ओरिएंटेड ऑब्वियसली हो रहे हैं जो भी हमारे प्रेसिडेंट ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं, तो उसमें अगर कोई प्लेयर परफॉर्म करता है तो है कि मैं उसको हाईली रेट करूँगी ऐसी पिचेस पे या ऐसे ट्रिकी पिचेस पे, बट हम तो बना देते हैं भाई फुल्ली रोड बना देते हैं डोमेस्टिक में भी, कल जो है कि ड्रॉ मैचेस होते रहते हैं, बेचारे बॉलर्स का कुछ कुछ सुनवाई नहीं होती है, और खाली है कि बैट्समैन का ही राज होता है। खैर शाहिन के वर्ड्स की बात हम कर रहे थे, तो इसमें और भी खैर उन्होंने कहा कि सबको पता होगा कि किसको कहाँ खेलना है एंड ऑल, और है कि ये करना पड़ता है, नौजवानों को चांस दिया, तो भाई नौजवानों को आपने क्या चांस दिया? आपने को आज़म को आपने सोच के आप सोच के कहते हैं भाई आज़म को आपको सारे मैचेस खिलाने, फिर आपने शायद 2 मैचेस या शायद 1 मैच आपने आज़म को नहीं खिलाया है, और है कि मेरे नहीं ख्याल कि आपको आज़म को 5 मैचेस देने चाहिए थे, आपको अगर 5 मैच अगर आपको दे रही थे तो आई थिंक साइम एंड हसीबुल्ला इन
दो जानों को आपको पांचों के पांचों मैचेस देने चाहिए थे, क्योंकि ये दोनों यंगस्टर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर पोटेंशियल मुझे तो खैर नजर आया है। आई डोंट नो अबाउट जो भी टीम मैनेजमेंट है या हमारे जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं, उनको नजर आया कि नहीं नजर आया, लेकिन मुझे उनमें स्पार्क नजर आता है, उनमें टैलेंट नजर आता है, और टेक्निकली भी वो असली बुलाए के थोड़े से टेक्निकल फ्लॉज हैं, या आई एग्री कि थोड़ा सा उनके स्टांस में या जो उनकी है कि जो फुटवर्क है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर साइम के हवाले से मैंने कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल फ्लॉज नहीं देखे। तो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों को देना चाहिए था, ये पांचों मैचेस देने चाहिए थे। आपने आजम को है कि तीन चार मैचेस दे दिए, चलो अब दिए थे तो आजम को भी पूरे पांच ही आप दे देते तो पता चलता खैर, बट पता नहीं क्यों मुझे आजम से कोई इतने ज़्यादा नहीं उम्मीदें हैं कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो इंटरनेशनल परफॉर्म करके ले सकता है। अगर तो कर भी ले, जैसे बाज़ औक़ात हमारे बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कर लेते हैं, एक आधे मैच परफॉर्म कर लेते हैं और फिर है कि तारीख सन्नाटे में चले जाते हैं, जैसे हैदर अली साहब हैं हमारे, पता नहीं कहाँ खो गए वो। खैर वो भी एक अच्छे ही हार्ड हिटर थे, अच्छे प्लेयर थे, बट स्टिल चलो खैर है, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस पर करते हैं, इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। और है कि फिर उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो ऐसा होता है। तो भाई एक्सपेरिमेंट जैसे कि मैंने पहले कहा कि हर कोई करता है, इंडिया ने भी किया था, वेस्ट इंडीज़ में इंडिया को जो भी एक्सपेरिमेंट था उसका मिसफायर हुआ था, बहुत 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 ही ज़्यादा हेट मिली थी। जो हार्दिक पांड्या वहाँ पे कैप्टनसी कर रहे थे, इंडिया ओडीआई हारा था, T20 भी है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आई थिंक जीता था कुछ मर मर के, तो क्रिटिसिज्म हुआ था, क्रिटिसिज्म बेशक होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव हम करते हैं, हम डिस्ट्रक्टिव नहीं करते, ना हम करना चाहते हैं ना हम किसी को करने देंगे, बट आप तरीके से तो डिसीजन लो ना। हमारा पॉइंट बस ये है, आप दो बस, किसी को भी आपको चांस देना है तो दो, लेकिन आप तरीके से डिसीजन लो, तरीके से एक्सपेरिमेंट करो और जीत देखो। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो जीत उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, खैर हर किसी के लिए। रमेश राजा हमेशा कहते थे जब भी ये है कि ये एक्सपेरिमेंट की बात आती थी कि भाई आपने हर जगह एक ही टीम खेलती है नॉल, भाई वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट होते थे लेकिन लोगों को नज़र नहीं आते थे, और ज़्यादा ऑब्वियसली मैं आई एग्री कि ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वही बात है भाई जीत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कौम, हमारे मीडिया, हमारे लोगों को हार बर्दाश्त नहीं होती है। तो खैर दैट वॉज इट, मेरा इस हवाले से यही राय है, आपके इस हवाले से क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आप एग्री करते हैं शाइन के जो भी वर्ड्स है या जो भी उन्होंने कहा कि भाई ये है कि यहाँ पे इन कंडीशन में खेलना आसान नहीं होता, हम एग्री करते हैं, और भी खैर जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रेज किए हैं, अगर आप कैसे डिसएग्रीमेंट भी खैर उससे कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक करें इस वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।